यहाँ 5 बजने वाले हैं और आ गई हूँ मैं, बच्चे झूला वगैरह झूल रहे हैं। इवनिंग स्नैक का अभी पता नहीं कि क्या लेने वाली हूँ। वैसे मैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं लेने वाली हूँ अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में ज़ीरा वाटर। रात को भिगो के रख दिया था मैंने हाफ स्पून, इसे वार्म करके हल्का सा वो ले रही हूँ। अब आते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू गोभी बनाई थी रात को, आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये ऑलिव ऑयल में ही बनी हुई है। और चाय बिल्कुल फीकी है, इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं करा। साथ में मैंने एक रोटी ली थी, हल्का सा देसी घी लगा कर इसे वो लिया था। फिर 10 बजे के टाइम मैंने अपना थोड़ा सा, मैं सोची थी क्या लूँ, क्या फ्रूट्स लूँ, वैसे बहुत सारे लिए आए थे रात को ये, तो फिर मैंने सोचा मैं अपना शरीफा ले लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शरीफे, बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो एक मैंने आज है संडे, संडे का मैंने ब्रेकफास्ट आपको दिखा दिया, अर्ली मॉर्निंग भी दिखा दी। और अब 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे मैं ले रही हूँ अपनी ब्लू टी। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने कल वीडियो में डाल दिए हैं, आप चेक कर लेना, या फिर मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूँगी, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। बाकी जो सामान रखा हुआ है पीछे उसे इग्नोर कर लो। और आज हम जा रहे हैं घूमने, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं कहीं घूमने, तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और पूरा व्लॉग डालूंगी कि कहाँ गए थे हम और हमने क्या क्या करा, बच्चों ने क्या क्या करा। तो और लंच का मैं देखती हूँ मैं क्या करती। तो आज मेरे लंच में है आलू पालक मेथी की सब्ज़ी, और साथ में बिरयानी थोड़ी सी ली है बिल्कुल मैंने, और 1 फुलका लिया है, मीडियम साइज़ का है ये। और आलू मेथी पालक की सब्ज़ी थी, बहुत ज़्यादा ही यम्मी बनी हुई थी, अम्मी ने बना रखी थी। तो ये मेरा आज का लंच है, अब मिलते हैं हम बाद में। तो हम लोग इंडिया गेट जाने के लिए निकल गए थे, और ये कनॉट प्लेस है सीपी, यहाँ पर भी बहुत अच्छी सी शॉपिंग होती है, आप आ सकते हैं शॉपिंग, क्या आप रात में भी आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है रात में भी। तो अब ये इंडिया गेट आने वाला है, चलिए मैं आपसे अब मिलती हूँ इंडिया गेट पर ही, यानी चिल्ड्रन पार्क पर। और यहाँ 5 बजने वाले हैं और आ गई हूँ मैं, बच्चे झूला वगैरह झूल रहे हैं। इवनिंग स्नैक का अभी पता नहीं कि क्या लेने वाली हूँ, वैसे मैं घर से चाय पी कर आई थी और कुछ भी नहीं। और चलिए देखते हैं बच्चे क्या क्या करते हैं। तो यहाँ आकर बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बचपन में आती थी मैं और सब लोग आते थे, खाला भी यहाँ से पूरी फैमिली आती थी, और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, और कोई से ऐसा झूला नहीं है जो बच्चों ने अभी झूला नहीं है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्राउड की तरह संडे है। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 तो मेरी नंद भी आ रही है, नंदोई और मामू की बेटी, तो अभी और इंजॉय करेंगे हम लोग अच्छे से। तो पता नहीं इसकी टाइमिंग क्या है, 6 बजे तक बंद होता है या 5 बजे, 5 को बच्चों के 6 बजे तक मुझे लगता है कि बंद हो जाएगा ये। चलिए बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं मिलूंगी आपसे, अभी खेल कूद करते हुए दिखाऊंगी, खुद भी खेलूंगी बच्चों के साथ, और मिलूंगी डिनर में। आप जब भी यहाँ पर आए ना, तो ब्लैक ड्रेस बिल्कुल भी कतई पहन के नहीं आए, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत थी, बहुत मिट्टी थी, तो सब कुछ ख़राब हो चुका था शूज़ में। अभी हम यहाँ बैठ गए हैं अपनी चादर वगैरह अभी छा के, मुझे नहीं चाहिए, और हम यहाँ पर ना खाना खाएंगे, अभी पौने 6 बजे 7 बजे तक हम खाना खा लेंगे यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने खा लिया साथ में, वो बिरयानी निकाल ली है, वही लाई थी, और चूल्हे पराठा मैं ले गई थी, और चाय भी पी थी हमने, और फ्रूट भी खाए थे बहुत सारे, बहुत मज़ा आया था। Oh, oh, oh.
जा रहे हैं घर और टाइम हो रहा है 8:30। खाना वगैरह सब हो गया है, नाइट ड्रिंक लेंगी जाके और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बच्चों ने फुल्ली इंजॉय करा और बहुत मज़ा आया।